हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिंदरू ग्राम पंचायत के महिला सरपंच के पति नरेंद्र देवासी के साथ हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मीडिया को बताया मामला पारिवारिक था, तो फिर पंचायत भवन में हाथापाई क्यों हुई? लेकिन महिला सरपंच का पति नरेंद्र देवासी आखिर पंचायत कार्यालय में क्या कर रहे थे? सांडेराव सुमेरपुर उपखंड के सिंधु गाँव में ग्राम पंचायत कार्यालय में महिला सरपंच के पति नरेंद्र देवासी के साथ में हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद में लगातार 10 से 15 दिनों तक ये सोशल मीडिया पर वीडियो ये घूम रहा है। जब इस संबंध में महिला सरपंच के पति नरेंद्र देवासी से मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये मामला हमारे परिवार का था और नल कनेक्शन की बात को लेकर हाथापाई हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पारिवारिक मामले की बात पंचायत कार्यालय भवन में क्यों की गई? और दूसरा प्रश्न ये कि महिला सरपंच के पति नरेंद्र देवासी पंचायत कार्यालय में आखिर क्या कर रहे थे? सुमेरपुर उपखंड में जहां पर महिला जनप्रतिनिधि है, वहां पर लगातार महिला जनप्रतिनिधियों के पति द्वारा राज कार्य में हस्तक्षेप करने से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर के इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दो दिन पहले ही उनके पति मगाराम देवासी के खिलाफ में खिमाड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया था और महिला सरपंच और उसके पति पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद वहां के ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल वाल को तुरंत प्रभाव से हटाया गया था। महिला सरपंच के पति नरेंद्र देवासी, इन्होंने ये कहा, हमारे पारिवारिक मामला ही था, नल कनेक्शन की बात को लेकर के हमारे परिवार के व्यक्ति के साथ में ही हाथापाई हुई थी, लेकिन इसकी सूचना पुलिस थाने में भी दी और मामले का राजीनामा भी हो गया है। जागरूक टीवी के लिए सांडेराव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।